रविवार को नंदानगर के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा दो भाइयों पर जानलेवा हमले की घटना से आक्रोशित परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने नंदानगर के पास सड़क जाम करने के साथ ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम, एएसपी वासियो कैंड रोहन प्रमोद बोत्रे ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि गोली मारने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जिस पर पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गौरवपुनी से बात करते हुए एएसपी व सीओ कैंड रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, जगदीशपुर भाई सुनिए। कल एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, संदिग्ध तीन व्यक्ति है और एक व्यक्ति को सिर पे चोट दी गई थी, शायद पत्थर से मारा गया था। दोनों को इलाज हेतु लखनऊ रेफर किया गया है। हमारी टीम भी वहाँ पे यहाँ से निकल गई है और उसी संदर्भ में कुछ लोगों ने यहाँ पे जाम करने की कोशिश की थी, पर उनको समझा बुझा के सारी चीज़ें बताने के बाद उन्हें जाम खुलवा दिया। स्थिति अभी तो तीन टीमें हमारी अलग तीन तीन लोगों के लिए लगी हुई हैं और उनकी जल्दी अरेस्टिंग हो जाएगी इस विषय में।